वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं डेक्कन चार्जर्स के आईपीएल 2012 के फुल स्क्वाड के बारे में। डेक्कन चार्जर्स ने आईपीएल 2012 में 16 में से सिर्फ 4 मैचेस में जीते थे और पॉइंट्स टेबल में सेकंड लास्ट यानी कि 8th पोजीशन पर थे। डेक्कन चार्जर्स के स्क्वाड में आईपीएल 2012 के लिए बैट्समैन थे शिखर धवन, ये एक लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है और टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। ऑस्ट्रेलियन राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कैमरन व्हाइट, ये टीम के सेकेंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। ऑस्ट्रेलिया के डैनियल हैरिस, ये एक राइट हैंडेड और टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे। अक्षत रेड्डी, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है जो कि ओपनिंग किया करते हैं। भरत चिपली, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन थे जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते थे। अभिषेक झुनझुनवाला, जो कि एक राइट हैंडेड और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हुआ करते थे। ईशांक जग्गी, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते थे। ऑस्ट्रेलिया के क्रिस लिन, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है जो कि ओपनिंग करते हैं। द्वारका रवि तेजा, जो कि एक राइट हैंडेड बैट्समैन है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। अर्जुन यादव, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन थे जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते थे। तन्मय श्रीवास्तवा, ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। सनी सोहेल, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। तन्मय मिश्रा, जो कि एक राइट हैंडेड बैट्समैन है और टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। वेस्ट इंडीज के डैरेन ब्रावो, जो कि एक लेफ्ट हैंडेड और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। इंडियन प्रीमियर लीग 2012 के लिए डेक्कन चार्जर्स के पास विकेट कीपर्स थे श्रीलंका के कुमार संगकारा, जो कि एक लेफ्ट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन और कैप्टन थे। पार्थिव पटेल, ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो कि ओपनिंग किया करते थे। केदार देवधर, ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। डेक्कन चार्जर्स के पास रहने वाले ऑलराउंडर्स की बात करें तो वो थे साउथ अफ्रीकन बैटिंग ऑलराउंडर जेपी डुमिनी, ये एक लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और पार्ट टाइमर राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर थे। ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑलराउंडर डैन क्रिस्टियन, ये एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। बॉलिंग ऑलराउंडर आशीष रेड्डी, ये एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। बॉलिंग ऑलराउंडर सैयद क्वादरी, ये एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर थे। बैटिंग ऑलराउंडर बिप्लब समंतरे, ये एक राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर के बैट्समैन है और राइट आर्म मीडियम बॉलर है। डेक्कन चार्जर्स के टीम में रहने वाले स्पिन गेंदबाजों की बात करें तो वो थे अमित मिश्रा, ये एक लेग ब्रेक बॉलर है जो कि टीम के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। स्पिन बॉलर अंकित शर्मा, जो कि एक स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। स्पिन बॉलर स्नेह किशोर, ये भी एक स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। और लेग स्पिन बॉलर आकाश भंडारी, जो कि एक लेग ब्रेक बॉलर है। आखिरकार डेक्कन चार्जर्स की टीम में रहने वाले तेज गेंदबाजों की बात करें तो वो थे साउथ अफ्रीका के डेल स्टेन, ये एक राइट आर्म फास्ट बॉलर है और टीम के हाईएस्ट विकेट टेकर थे। मीडियम पेस बॉलर वीर प्रताप सिंह, जो कि एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है। मीडियम पेस बॉलर आनंद राजन, ये भी एक राइट आर्म मीडियम बॉलर ही थे। मीडियम पेस बॉलर मनप्रीत गौनी, ये भी एक राइट आर्म मीडियम बॉलर थे। साउथ अफ्रीकन पेसर रस्टी थिरोन, ये एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। तदुरी प्रकाश चंद्र सुधींद्र, जो कि एक राइट आर्म फास्ट बॉलर हुआ करते थे। फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा, जो कि एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। और आखिरकार टिक्कमी अच्युता राव, जो कि एक लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और आपके हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 कमेंट कीजिए। हो सके तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और आखिरकार हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।